भोजपुरी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाया जाए जो मंदिर निर्माण का काम दे सके। यानी कि कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आ गया है और केंद्र सरकार को आगे की रूपरेखा तैयार करने की के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केंद्र सरकार 3 महीने में स्कीम लाए और ट्रस्ट बनाए। यह ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण कार्य करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि विवादित जमीन पर मुस्लिम अपना एकाधिकार सिद्ध नहीं कर पाए, इसीलिए विवादित जमीन पर राम जन्मभूमि न्याय का हक है, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन किसी दूसरी जगह दी जाए। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र या राज्य सरकार अयोध्या में उचित स्थान पर मस्जिद बनाने को जमीन दे। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे पुराने केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले में कोर्ट ने विवादित जमीन का हक राम जन्मभूमि न्याय को दिया है, जबकि मुस्लिम पक्ष यानी सुन्नी सख्त बोर्ड ने अयोध्या में ही दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है। इस पर भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने भी एक ताजा बयान सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जी हां, आपको बता दें कि पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है कि आखिरकार हम जीत गए और उन्होंने सभी हिंदू और मुस्लिम फैंस से कहा है कि वो शांति बनाए रखें क्योंकि यह देश का सबसे पुराना मामला है और फाइनली अब अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा। कुछ इस तरीके का पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, जिसके बाद यह ट्वीट भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर कोई पवन सिंह के इस बयान को भारी मात्रा में लोग शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कई और लोगों ने भी अपने अपने प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर व्यक्त किया है। साथ ही साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के फैंस भी अपने अपने प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी लोग राम मंदिर पर न्याय पाने पर सभी लोग हार्दिक शुभकामनाएं सोशल मीडिया पर एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं। भोजपुरी गॉसिप से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।